व्यास बनाले म्हणतात तो बाकी दोनों म्हणतात मच्छीवाडा म्हणतात तो ये तो पता नहीं मच्छीवाडा म्हणतात तो कोई आए नहीं बाकी मोर्चा दे प्रधान क्यों नहीं आए। हाँ जी कोई नहीं बैठे तीसरा मंडल क्या शेरपुरा शेर चार ही आए नहीं पांच प्रधान पांच और चार आए थे ऐसे कार्यकर्ता कौन कौन ने जो इन्हों को पार्टी का कोई अहदा नहीं है लेकिन फिर मोर्चा अध्यक्ष कह रहा हूं हाँ जी आप महिला मोर्चा अध्यक्ष है बड़े महामंत्री आए हैं दोनों किसान मोर्चा प्रधान हो जी बनी है दोनों मंडल प्रधान आया नौ जो बाकी क्यों नहीं आए मीटिंग महामंत्री की दोनों मीटिंग अरे क्यों नहीं आया मैं पूछ रहे हैं बहन जी थोड़े महिला मोर्चा की कोई भी अध्यक्षा नहीं आई मंडल की क्यों नहीं आए मैसेज नहीं मिला अज जिला खन्ना की कार्यकारिणी की मीटिंग सी ये बकायदा मैं तो पहली बार एक्सक्यूज होया लेकिन बड़ा अच्छा संगठन का सिस्टम देख के बड़ी खुशी हुई कि बकायदा बूथ लैवल तक जी गल की हर एक पन्ना प्रमुख की गल मैं सुनी जी कि बहुत ही एक संगठन मजबूत करने वास्ते सब तो वड्डी जी भाजपा की ये जी विधि है ये नाल मैं कह सकता भी जो पूरे हिंदुस्तान से ही सरकार इन्हें बनिया ने कि इन्होंने संगठन में बहुत ग्रासरूट तक जैसे बहुत ज़्यादा मेन मुद्दे की देखो मुद्दे तो जो भखते मुद्दे ने इस वे जो पंजाब सरकार जी इस वे रूलिंग पार्टी हैगी किन्ने मुद्दे मूंगी वाला मुद्दा कितना बड़ा है कि लोगों अखबारों सुधारा तो उतो वध रुपया खाली जिदा लोगों किसानों देना भी है नहीं कि 17% लोग जी भूमि खरी खरीद 83% जी प्राइवेट जोड़े अपने खरीद रहे हैं तो किसान सीधे सीधा धोखा है और दूसरी गल 300 यूनिट जी फ्री वाली गल है वो कोई बजट प्रोविजन होड से पैसे दिए जाने कौन देगा वही हद यही है 1000 रुपया जो खास करके जो भैन ने साड़िया माताओं ने बच्चिया ने बढ़ चढ़ के वोटा इन्हों पाइया ने तो बकायदा लोगों ने एक बहुत बड़ी ठगी है इन्हें झूठिया गरंटिया दे के लोगों को गुमराह किया गया तो लोग उन्होंने सोच आ के चक्कर पैके उन्होंने वोटा पा दी पर अज किसी हालात देखो 3 महीनों बाद किसी अज तक कोई पहली सरकार जो ग्राफ एकदम थोड़े डाउन आ गया नहीं आम तौर पर सरकार का ग्राफ 4 सालों बाद या 4.5 सालों बाद जाके लोगों के वो खिलाफ आवाज़ उठती है पर यह सरकार बन तो बाद जिमें लोगों इन्होंने कच्चे पक्के करने की गल की सी कॉन्ट्रैक्ट में रेगुलर करने की कोशिश की गई सी लेकिन वो बल्कि पक्के तक की करने से उन्होंने शांति करनी शुरू करती तो वो लोग डे वन तो वो सारे टीचर की वो सारे बंदे धरने पर बैठे हुए हैं कि सरकार को धरने लगते होंगे किसी जवानी जाके चौथे साल तो 7-4 साल तो बाद लगते हैं पर इन्हों के डे वन लगने शुरू हो गए क्यों योग पहले लोगों को गुमराह करते रहे कि साड़ी सरकार बनाओ असं सू आ पक्के कर दें तनखाह बढ़ा रहे हैं पेंशन बढ़ा रहे हक कर दें लेकिन तुम दसो मुलाजमान ने बढ़ चढ़ के उन्होंने वोटा पाइया तो पवाइया पर अज उ बेचारे मुलाजम जोड़े ने इन्हों के 12 धक्के खा रहे हैं तो इस करके भी सरकार जी है एक झूठ की बराह उत्ते खड़ी है रेल उत्ते खड़ी है तो इन्हें जो कहा वो किया नहीं तो अज जो नौजवान है जो इन्होंने को यही गलती जवाबदार भी कर रहा है वो दसो साडा की बनूगा इस करके आहुन आयुष्मान भारत स्कीम है जी मैं कल शायद अभी अखबार में छपया हुआ कि भी वो जी स्कीम सिर्फ जो सेंटर स्पोंसर स्कीम जिनी है वह लागू कर रहे हैं बाकी सारी बंद कर रहे हैं जो साढ़े वेले मैं 45 लाख परिवारों की उस वे स्कीम लिया परिवार कम किए ये उस आड़ती भी कवर से ट्रेडर भी कवर से प्लस जे फार्म वाले किसान भी कवर से लेबर कार्ड होल्डर भी कवर से स्मार्ट कार्ड होल्डर भी कवर से
तो जिन्हें बंदे सारे कवर से, लेकिन हूँ इन्होंने उन्होंने सारा अभी यूनिवर्सल की कड़े 14 लाख से आ गए जो मुलाजम भर्ती किए तो शर्टी कर रहे हैं रुजगार नहीं बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। और प्लस देखो भी 14,000 तो वह बंद ने उस वेले उस स्कीम का फायदा खाया बाईपास सर्जरी करा के, तो लख बंद ने कीमो कराई, 2 लख बंद डायलिसिस फ्री होया। मैं जो जो डाटा फिगर अब मैं लैके आता तो दस दूँ इन्ने लोगों 917 करोड़ लोगों का बचाया गया उस वे। ईवन जो सरकारी हॉस्पिटल से जोड़े असं फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते सूँ उस इलाज का भी पैसा सू रिवर्समेंट साढ़े सरकारी हॉस्पिटल खजाने आनी शुरू हो गई थे खात्या हॉस्पिटल से भी मजबूत हो गई थे। किन्ने डॉक्टर भर्ती किए, कि स्टाफ भर्ती किया, अज महला कितने तो कहते 117 खोलने हैं, कि 75 से आ जाएंगे, हम 17 से आ गए। पर मैं ये पूछना चाहना है कि भी जेडे अस 3,000 हेल्थ वैलनेस सेंटर खोले से जोड़ा आलरेडी एग्जिस्टिंग जोड़ा सिस्टम हैगा उन्होंने क्यों नहीं स्ट्रेंथन करते हैं। फिर तो हर पिंड डिस्पेंसरी हैगी रूरल डिपार्टमेंट दें हैल्थ दियाँ है प्लस हेल्थ वैलनेस सेंटर है कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर ने सब हॉस्पिटल ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने उन्होंने स्ट्रेंथन क्यों नहीं करते। उत्तर डॉक्टर की घाट है, उत्तर स्टाफ की घाट है, उत्तर दवाइया की घाट है, उत्थे हर तरह की घाट है। मैं 26 लैब बनाइया सी शायद थोड़े तो नाम नहीं हो 26 लैब जीडिया डायग्नोस्टिक लैब सगिया करसन कंपनी असी एमसन किया और पूरे डिस्ट्रिक्ट किया। और तुम जाकर देखो मोहाली वो लैब चल रही है कि जोड़ा बाहर MRI 8,000 होंगी 1,250 रुपये हो रही है उत्तर और लैंना लगे लोगों दी। और फिर जो भी कोई कार्ड है हेल्थ कार्ड है वह तो बिल्कुल फ्री हो जाता है। इसे तो सब जेडे कि इन्हें आम आदमी पार्टी ने यह जे वादे किए कि उन्होंने लैके पब्लिक जाऊंगे बिल्कुल क्यों नहीं जावे। मैं तो हमने यही गल कही इतने सारे कि सू मंडिया जाकर किसानों रूबरू होना चाहिए, सानू आड़ती भरावों के रूबरू होना चाहिए, सानू हर बंदे एक गल तो जागरूक करने की जरूरत हैगी है। असं मंडिया भी जावे घर घर जावे बहुत ज्यादा मशीनरी पई है पर इंस्टॉल नहीं हो सकी। इनकी मंशा ठीक नहीं है ना, मंशा ठीक नहीं है। जेकर सरकार की मंशा हो शाम तक इंस्टॉल हो जाए। मैं जो पायलट प्रोजेक्ट मोहाली स्टार्ट कराया, लुधियाने कराया, सरूर कराया, जो चल रहे हैं सारे 10 महीने जा रहे हैं। देखो एक तो आप कह सकते भी इस वे लोग कोई भी स्टेबल नहीं, अस्थिरता ऐसी जी अस्थिरता बनी हुई है, अनसर्टनिटी बनी हुई है कि वह लोग सारे घबराए हुए हैं। कोई पुलिस तुम फ्री हैंड नहीं दोगे, पुलिस की मदद नहीं करोगे तो पुलिस कि काम करेगी। उसी तो अपन सारों पता लग गया भी किसी ना किसी तरीके पुलिस को भी इस वे इंटरप्ट किया जा रहा है। NDA ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ BJP 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਪੁੱਛ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕੋਲ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ।